क्या आपके परिवार में ऐसा कोई पेशेंट है जिसको मानसिक बीमारी है, मानसिक समस्या है, बहुत आक्रामक हो जाता है, मारपीट करता है, दवाई आप लाते हैं तो दवाई लेता नहीं है, दवाई के लिए बहुत उसकी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये लो दवाई लो तो भी लेंगा नहीं, दवाई लेता है तो अच्छा रहता है मगर दवाई नहीं लिया तो आक्रामक होना, मारपीट करना, फिर अकेले बैठेगा, बातचीत करेगा अपने में, अपने से हंसेगा, उसको घर में रखना तो बड़ी मुश्किल की बात है, बाहर जाएगा तो झगड़े कर लेगा, घर में भी झगड़े करेगा, नहीं तो फिर अकेले कमरे में जाके बैठेगा, काम धंधा नहीं करेगा, खाना तो पहले चाहिए, स्नान नहीं करना है, कटिंग दाढ़ी कुछ भी करने का नहीं है, गंदा रहता है, तो ऐसे पेशेंट को घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब वो दवाई लेता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमने स्पेशली ऐसी व्यवस्था की, एक रिहैब सेंटर का निर्माण किया है कि जहां आप ऐसे लोगों को रख सकते हैं, आप अकेले में उनको रख सकते हैं। और क्या होता है कि जब वो अकेले रहता है ना और हमारे हॉस्पिटल में रहता है, हम उसको बाहर जाने की परमिशन देते नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता है, और वो सब पेशेंट के साथ में रहता है तो उसको कोई मतलब लालन, मतलब उसको ऐसा कोई नहीं है कि प्यार करने वाला, अरे प्यार से ले ले, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि चल दवाई लेना पड़ता है, चलो दवाई ले लो, तो उसको ऑर्डर देते हैं, वो अलग वातावरण में रहते हैं। देखो घर के वातावरण में दवाई लेता नहीं, हॉस्पिटल में बिल्कुल दवाई लेगा, अलग वातावरण में आता है, हम कड़क बात करते हैं उससे, वो क्या बोलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो घर के लोग बोलते बेचारा खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे ऐसा बोलते रहते, तो हम बोलते ठीक है मत खा, देखेंगे क्या होता है, जब भूख लगती है तो खाना खा लेता है, हम बोलते नहीं खाना नहीं मिलेगा पहले दवाई खा लो, तो मतलब इस तरह का उसको ऐसा डिसिप्लिन वातावरण में जब हम रखते हैं उसको, तो डेफिनेटली दवाई खा के उसका जो उसकी जो मानसिक समस्या है वो ठीक हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेशली जो है ये ऐसी बीमारी है, 1% 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी अभी आज है, ये इसमें जो लोग है, जो पेशेंट है, जो शक करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, लोग अपने बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, लोग अपने को देख के हंस रहे हैं, उनको कानों में आवाज आती है, कभी कभी लोगों के ऊपर वो अटैक कर देंगे, काम पे जाते नहीं है लोगों, उनको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ है, मुझे कोई पॉइजन कर लेंगे, ये लोग स्पेशली अपना खाना भी अलग बना देंगे क्योंकि उनको लगता है कि पॉइजनिंग किया मेरे को मार डाला, तो अपने बारे में टीवी के ऊपर रेडियो के ऊपर बातचीत चलो ऐसा उनको लगता है, तो ऐसे लोगों को दवाई दिया तो अच्छे हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को आप हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में है, यदि आपको यहाँ लाने का प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, नीचे नंबर दिए हुए, हम उसको पिकअप कर लेंगे, हम डॉक्टर भेजेंगे उसको पिकअप करके उसको ला लेंगे। क्या होता है कि आप लाते हैं तो आता नहीं है, हम आएंगे ना, हमारे डॉक्टर आएंगे तो बराबर आ जाता है, वातावरण बदल गया तो पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके यहाँ तो अच्छा रहता है, घर में हमने लेके गए कि प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण ही ऐसा रहता है कि वातावरण में ठीक हो जाता है पेशेंट। तो इसके लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मंदबुद्धि का भी पेशेंट है जिसको घर में रखना मुश्किल है, ऐसा भी पेशेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वयस्क है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी उम्र हो चुकी है, भुलक्कड़पना है, रास्ता भूल जाता है, घर में रखना मुश्किल है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम रखते हैं। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट घर में रखना है, आपके यहाँ शादी है, काफ़ी सारे मेहमान आने वाले और ऐसा पेशेंट घर में रखेंगे तो ऐसा होगा, या आपको घूमने जाना है तो ऐसे पेशेंट को घर पर रख के कैसे लेके जाएंगे, और लेके जाना तो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन है, आप हमें संपर्क कर लो, या स्किज़ोफ्रेनिया रहो या मंदबुद्धि का है या डिमेंशिया है या फिर कुछ उसको पीने की आदत है और वो छूट नहीं रही है, फिर वो सभी तरह की नशा हो, ऐसे पेशेंट को हम रख के उसका इलाज करेंगे। पेशेंट को अकेले रखते हैं 1 महीना 2 महीने जैसे भी चाहते आप ऐसे रखेंगे, पेशेंट को अच्छा होने के बाद में आप घर पर लेकर जा सकते हैं। तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।